हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को मालूम था कि आज 1 जून को सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर अंतिम फैसला आ जाएगा और इसी अंतिम फैसलों को लेकर ही सुबह से शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी बैठक कर रहे थे और बैठक में परीक्षा को लेकर ऐसे बहुत से निर्णय हो चुके थे, परीक्षा कब होनी है, परीक्षा के पैटर्न को लेकर, परंतु अभी उन पर अंतिम मोहर लगानी बाकी थी। इसी बीच दोस्तों, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें एम्स में भर्ती कराना पड़ा है। तो फैसला जो आज आने वाला था दोस्तों, उस फैसले को लेकर थोड़ा वक्त और हमें इंतजार करना पड़ सकता है, यानी फैसला जो है 3 जून या 4 जून तक हमारे सामने आएगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री जैसे ही स्वस्थ होकर लौटेंगे उसी के बाद फैसला लिया जाएगा दोस्तों। और ये बात तय है कि परीक्षा होगी, परीक्षा टलने का कोई सवाल ही नहीं है, है ना। इस पर पूरी तरह से निर्णय ले लिया जा चुका है दोस्तों, बस तिथि की घोषणा और अंतिम फैसला लेना भी बाकी है। पढ़ते रहिए और किसी भी अफवाहों से दूर रहिए। धन्यवाद। और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के लिए थोड़ा दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि वो जल्दी से स्वस्थ होकर लौटें और अपने निर्णय को जनता के सामने और विद्यार्थियों के सामने रखें। धन्यवाद।